हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो लोग स्किनी हैं वो लोग कैसे हार्ट इंक्रीज कर सकते हैं एंड जो लोग ओवरवेट हैं वो अपना कैसे हार्ट इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप स्किनी हो देन भी आपका हार्ट परफेक्ट करेगा एंड अगर आप ओवरवेट हो फिर ही आपका हार्ट परफेक्ट करेगा। तो आपको एक नॉर्मल बॉडी वेट में आना है, हेल्दी बॉडी वेट जिसे हम लोग कहते हैं, हाइट टू वेट रेशियो रहता है। अगर आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कम है देन फिर भी आपका हार्ट परफेक्ट करेगा बिकॉज आपका बॉडी हेल्दी नहीं है, आप एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। एंड अगर आप ओवरवेट हो, अपने हाइट के हिसाब से आपका वेट ज़्यादा है फिर भी आपका हाइट परफेक्ट करेगा, सो दैट इज़ नॉट गुड। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिसे आपको फॉलो करना है एंड इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखना बिकॉज मैं आपको बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिकॉज मैं रेगुलर हाइट के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ एंड जो लोग अपना हार्ट इंक्रीज करना चाहते हैं आप सही जगह पर आए। तो देखो, अगर आप स्किनी हो तो आपको क्या करना है, तो आपको ज़्यादा खाना है, आपको अपना कैलोरीज इनटेक को बढ़ाना है। आपका बॉडी वेट के हिसाब से आपका एक मेंटेनेंस कैलोरी है, तो आप अपना मेंटेनेंस कैलोरी गूगल से जान सकते हो, वहाँ पर टाइप करना हाउ टू कैलकुलेट में मेंटेनेंस कैलोरी, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पकड़ रहा हूँ कि आपका डेली मेंटेनेंस कैलोरी है 2000 कैलोरी। क्या होता है? एनर्जी। कोई भी खाना खाते हो आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, हर एक फूड में कैलोरी रहता है, एनर्जी रहता है। एंड जब भी आप कोई काम कर रहे हो, आप सो रहे हो, पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। तो आपका वेट तभी गेन होगा जब आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं। जितना कैलोरीज आप डेली बर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर कैलोरीज आप खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा एंड जितना कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं उतना ही कैलोरीज अगर खाएंगे तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। एंड अगर आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरीज खाएंगे तो फिर क्या होगा, आपका बॉडी कैलोरीज कहाँ से लेगा, मेंटेन से कम कैलोरीज खा रहे हैं, जितना कैलोरीज आप डेली बर्न कर रहे हैं उससे खा रहे हैं कम, तो बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरीज कहाँ से लेगा। सपोज आपके मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है और आप 1500 कैलोरीज खा रहे हैं तो बाकी 500 कैलोरीज बॉडी कहाँ से मिलेगा, आपको बॉडी फैट से लेगा। तो इसी तरीके से आपको अपना कैलोरीज इनटेक को मेंटेन करना है। तो एवरीथिंग इज हेयर अबाउट ईटिंग, कि कैसे आप खाना खा रहे हो। तो अगर आप स्किनी हो आपको मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाना है तो कोई भी खाना खा रहे हैं आप कैलोरीज को ट्रैक करें कि इस फूड में कितना कैलोरी है, इस फूड में कितना कैलोरी है। तो सबसे अच्छा उपाय है वेट गेन करने के लिए, आप हर एक मील में 150 कैलोरीज बढ़ा दें। सपोज आप डेली 5 मील्स ले रहे हैं तो हर एक मील में पहले से 150 कैलोरी बढ़ा दें। सपोज आप ब्रेकफास्ट में 300 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो आपको अभी 450 कैलोरीज कंज्यूम करना है। फिर लंच में आपको 450 कैलोरीज कंज्यूम करना है, मतलब 150-150 आपको बढ़ाते जाना है। उससे क्या होगा, आप कैलोरी सरप्लस में चल जाएंगे, मतलब आप मेंटेन से ज़्यादा चल जाएंगे एंड जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप अपने बॉडी को फिट कर रहे हैं उससे आपका वेट गेन होगा। लेकिन वेट गेन आपको सही तरीके से करना है, सही फूड्स खाना है, आपको जंक फूड्स नहीं खाना है और साथ ही साथ आपको वेट ट्रेनिंग करना है। उससे क्या होगा, जितना भी वेट गेन होगा मैक्सिमम आपका मसल गेन होगा, आपको फैट गेन नहीं करना है। अगर आप फैट गेन करेंगे फिर आप अनहेल्दी हो जाएंगे। सो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको हार्ट इंक्रीज करने के लिए एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना है। अगर आप अनहेल्दी रहेंगे फिर आपका हार्ट इंक्रीज कैसे होगा। सबसे पहले अपने बॉडी को हेल्दी करो, हार्ट बाय प्रोडक्ट है, बॉडी हेल्दी है मतलब आपका हार्ट इंक्रीज होगा। तो अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान देना है, वर्कआउट करना है। एंड अगर आप ओवरवेट है तो आपको मेंटेन से कम कैलोरीज कंज्यूम करना है। एंड एक चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, चाहे आप स्किनी हो चाहे आप ओवरवेट हो आपको प्रोटीन इंटेक हाई रखना है, मतलब आपको अपने बॉडी वेट इंटू 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना है। अगर आपका वेट 50 किलो है तो आपको डेली कम से कम मिनिमम 100 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है। तो प्रोटीन इंटेक दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे स्किनी हो चाहे आप ओवरवेट हो। एक ही चीज़ जो आपको करना है वो है कि कार्ब्स के रेशियो का अप डाउन करना है। जो स्किनी है उसको कार्ब्स बढ़ा देना है, थ्रू कार्ब्स आपका कैलोरीज बढ़ा देना है एंड जो लोग ओवरवेट है उनको कार्ब्स थोड़ा घटा देना है। तो ओवरवेट अगर आप हो तो आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरीज कंज्यूम करना है। अगर आपके मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है तो आपको 1500 कैलोरी कंज्यूम करना है। तो उससे क्या होगा, जो 500 कैलोरीज आप कम कंज्यूम कर रहे हैं
वो आपका बॉडी कहाँ से लेगा? थ्रू फैट। तो आपका फैट घटते रहेगा, साथ साथ आपका वेट भी डाउन हो जाएगा। लेकिन आपको प्रोटीन इंटेक हाई रखना है, आपको भी वेट ट्रेनिंग करना है, साथ ही साथ डेली आप 5 से 10 मिनट आप कार्डियो करना, रनिंग करने की जरूरत नहीं, स्लो वॉक करना, उसी से काम बन जाएगा। पेशेंस रखना जरूरी है। तो एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बॉडी का ध्यान रखो, हाइट एक बाय प्रोडक्ट है। अगर आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपका हार्ट इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मैक्स जेनेटिक पोटेंशियल से आगे बढ़ जाएंगे। आपका हाइट वहीं तक बढ़ेगा जहाँ पे आपका जेनेटिक्स एक लिमिट है। सभी का जेनेटिक्स अलग है, मेरा जेनेटिक्स अलग है, आपका जेनेटिक्स अलग है। तो आपका जो मैक्स जेनेटिक पोटेंशियल है आप वहीं तक पहुँच सकते हैं। अगर आपका मैक्स जेनेटिक पोटेंशियल है 5 फीट 10 इंच तो वहीं तक पहुँचेंगे, आप 6 फीट तक नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ समझना है, सबका जेनेटिक पोटेंशियल अलग है। तो अगर आप अपना बॉडी हेल्दी रखते हैं, आपका डाइट बहुत हेल्दी है, आप डेली वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप इजीली अपना मैक्स जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन पेशेंस रखना जरूरी है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना और कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसा लगा हो। एंड मैं चाहता हूँ कि आप सभी कमेंट करके आपको और किस रिलेटेड वीडियो चाहिए हाइट इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज मैंने ये चैनल हाइट वालों के लिए बना दिया है। बिकॉज जितना मेरा ऑडियंस है सब अपना हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं, एंड इसीलिए मैं हाइट के ऊपर रेगुलर वीडियोज अपलोड करता हूँ। तो आज मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ, मिलता हूँ इसे जबरदस्त वीडियो के साथ।